दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिक एवं कूटनीतिक थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों क्या आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं और वो स्त्री अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही? आप दिन रात उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं लेकिन वो आपको इग्नोर कर रही है? तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ज्योतिष शास्त्र का उपाय लेकर आया हूँ जो शादीशुदा औरत अपने प्यार का इजहार खुद करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं उपाय क्या है, आपने इसके लिए क्या करना है। दोस्तों ये उपाय ज्योतिष शास्त्र का है। चाणक्य जी ज्योतिष शास्त्र के इस उपाय के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र के इस उपाय को कर लेते हैं उन्हें जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। दोस्तों इस उपाय को आप सुबह के समय करें। आपने तुलसी के पौधे में सरसों का तेल डालना है, यानी कि तुलसी के पौधे के जड़ में सरसों के तेल की 5 से 7 बूंदे डालें और भगवान श्री कृष्णा जी से प्रार्थना करें कि ए प्रभु मुझे मेरा प्यार दिला दो। अगर आप सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से अगर आप उस शादीशुदा औरत से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद अपने प्यार का इजहार खुद से करेगी। दोस्तों इस उपाय को करके आप किसी भी स्त्री को मोहब्बत पा सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करके आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो अपने प्यार का इजहार खुद से करेगी। दोस्तों इस उपाय को जरूर करें, आप अपनी मोहब्बत को पा लोगे। दोस्तों भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी सच्ची नीयत से अपने कार्य को पूर्ण करने की सोचता है, अपने कार्य को करने की प्रतीक्षा करता है, उनके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सच्ची नीयत बाले का साथ इस पर हमेशा देते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर आप जीवन में सफल होना और कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य नीति का ये सहारा लेना होगा। चाणक्य नीति का साथ अगर आप अपने दिल में रखते हैं तो गहनता के साथ इस बार आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।